Now let's move on to chapter number two, and the name of the chapter is "I Can Control Myself." मैं अपने आप को control कर सकता हूँ, अपनी feelings को control कर सकता हूँ, अपने emotions को control कर सकता हूँ. So to control what we say or do and to think before we do anything is called self-control. कंट्रोल करना हम जो भी चीज कर रहे हैं जो भी चीज सोच रहे हैं उस चीज को सेल्फ कंट्रोल करना द मेन थिंग्स नीडेड टू लर्न सेल्फ कंट्रोल आर जो मेन थिंग है जो हमें सीखना है सेल्फ कंट्रोल के लिए वो है डिसिप्लिन एंड पेशेंस तो हमें ये दोनों चीजें चाहिए अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल लाने के लिए डिसिप्लिन हमारे अंदर होना चाहिए और पेशेंस मींस धैर्य होना चाहिए कोई भी चीज देख के एकदम से एग्रेसिव नहीं होनी चाहिए नाउ विच फॉलोइंग दिल्ड्रेन आर शोइंग सेल्फ कंट्रोल आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन से बच्चे हैं जो अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल शो कर रहे हैं पुट आर टिक अगेंस्ट उनमें हमें टिक करना है शोइंग सेल्फ कंट्रोल जिस भी पिक्चर में बच्चे अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल शो कर रहे हैं उसमें हमें टिक करना है एंड क्रॉस अगेंस्ट दोस्त लूजिंग सेल्फ कंट्रोल और क्रॉस वहां लगाना जहा पे सेल्फ कंट्रोल को लूज किया जा रहा है, so, here you can see, एक बच्चा है वो एक आइसक्रीम कार्ड के पास खड़ा है अपनी मम्मी के साथ और वो मम्मी से क्या कह रहा है आप बताइए क्या कह रहा है वो ये इज से वॉन्ट्स एन आइसक्रीम वो अपनी मम्मी से जिद कर रहा है कि उसे क्या चाहिए आइसक्रीम चेद तो क्या आपको लगता है कि जो बच्चा अपनी मम्मी से जिद कर रहा है तो क्या वो सेल्फ कंट्रोल में होगा नो सो वी हैव टू पुट अ क्रॉस हियर सिमिलरली सेकंड पिक्चर देखेंगे यहाँ पे दो बच्चे हैं वो एक टेडी बेयर के लिए लड़ रहे हैं दोनों में से किसी के अंदर क्या आपको लगता है सेल्फ कंट्रोल है या नहीं है नो नॉट एट ऑल अगर सेल्फ कंट्रोल होता तो लड़ाई नहीं होती सो दिस ऑल्सो वी क्रॉस अब थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हैं कुछ बच्चे लाइन में खड़े हैं और शांति से खड़े हैं कोई भी लड़ाई नहीं हो रही है सब अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं तो आप बताओ कि यहाँ कंट्रोल है या नहीं है yes, तो ये चेक करना है सो सिमिलरली लुक एट द क्रॉस और टिक मार्क आई होप दैट यू इट